एक पुजारी जिस दिन मरा उसी दिन एक वेश्या भी मरी, दोनों ही आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग उन्हें लेने आए तो पुजारी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। पुजारी ने कहा, रुको रुको, लगता है तुमसे कोई भूल हो गई, ये क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है, उस पुजारी को नरक की तरफ और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। क्यों भाई, जरूर आपको ऊपर से संदेश देने में कोई भूल चूक हो गई है, संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक हो सकती है। जब यहां छोटे मोटे राजा इतनी बड़ी बड़ी भूरे कर देते हैं तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए तुम लोग फिर से पता लगा कर आओ, जरूर मुझे स्वर्ग और इस वेश्या को नरक ही मिला होगा। आश्चर्य तो देवदूतों को भी हुआ, उन्होंने कहा, भूल कभी हुई तो नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि यह वेश्या है और तुम पुजारी हो, इसे नरक और तुम्हें स्वर्ग ही मिलना चाहिए। लेकिन भूल हमसे हुई नहीं, संदेश हमने साफ साफ सुना था और पुजारी मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए बहस हो गई। लेकिन फिर से खबर आई कि कोई भूल चूक नहीं हुई, जो होना था वही हुआ है, वेश्या को स्वर्ग में ले जाओ और पुजारी को नरक में डाल दो, और अगर ज्यादा ही जिद करें तो उसे समझा देना कि इन कारणों की वजह से उसे नरक में डाला जा रहा है। देवदूत फिर से पुजारी को नरक की तरफ ले जाने लगे, लेकिन पुजारी जीत पर अड़ गया तो देवदूतों को कारण बताना पड़ा। कारण यह था कि पुजारी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वेश्या ही था। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतरता था, लेकिन मन में प्रतिमा वेश्या की होती थी, और जब वेश्या के घर में रात राग रंग होता, बाजे बजते, नाच होता, हंसी के ठहाके उठते, नशे में डूबकर लोग उन्मात होते, तो उसको ऐसा लगता था जैसे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवाया। आनंद जब वहां है तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, इस निर्जन में बैठा, इस काली मंदिर में, यहां पर पत्थर की मूरत के सामने पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। उसे हमेशा यही शक पैदा होता और रात भर जागकर वह करवटें बदलता और वह वेश्या को भोगने के सपने देखता। लेकिन वेश्या की हालत ठीक इसके विपरीत थी। वह थी तो वेश्या लोगों को रिझाती भी, नाचती भी, पर मन उसका सदा मंदिर में लगा रहता था। जब जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो वह सदा यही सोचती कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा कि मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागना, मैंने तो अपना पूरा जीवन इस गंदगी में ही बिता दिया, अगले जन्म में है परमात्मा, भले ही मुझे मंदिर की पुजारी मत बनाना, लेकिन मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल ही बना देगा तो भी चलेगा, मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूंगी जो पूजा करने आते हैं, उतना ही बहुत है मेरे लिए। जब मंदिर में सुगंधुष्टि धूप की तो वह अनंत मंगल हो जाती। वह कहती, यह भी क्या कम सौभाग्य है कि मैं अभी भी मंदिर की इतनी निकट हूं। बहुत से लोग हैं जो मंदिर से दूर रहते हैं। माना कि मैं बहुत बड़ी पापी हूं, लेकिन कम से कम मेरे पास इतना सौभाग्य तो है कि मैं रोज सुबह शाम मंदिर के बाहर से दर्शन कर सकूं। हर रोज जब पुजारी मंदिर ने पूजा पाठ और आरती किया करता तो वह आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाती और पूरे ध्यान से मंदिर से आने वाली आरती पूजा की आवाजों को सुना करती और मन ही मन अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करती, वह ईश्वर से क्षमा मांगती। पुजारी वेश्या की सोचा करता और वेश्या पूजा की सोचती। पुजारी नरक चला गया और वेश्या स्वर्ग चली गई। अतः जैसे ही आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा और जैसे ही आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको भोगना होगा। असली सवाल यह नहीं कि हम बाहर से क्या हैं, असली सवाल तो यह है कि हम भीतर से क्या हैं। भीतर से ही सही निर्णय होता है। भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म हैं। पुजारी वेश्या की सोचा करता और वेश्या पूजा की सोचती। पुजारी नरक चला गया और वेश्या स्वर्ग चली गई। अतः जैसे ही आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा और जैसे ही आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको भोगना होगा। असली सवाल यह नहीं कि हम बाहर से क्या हैं, असली सवाल तो यह है कि हम भीतर से क्या हैं। भीतर से ही सही निर्णय होता है। भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म हैं। अतः अगर हमारे विचार ही बुरे हैं तो कर्म तो बुरे होने ही हैं। हमारे विचारों में बड़ी शक्ति है। ये विचार ही हैं जो एक इंसान को महान और दूसरे को शैतान बना देते हैं। इसलिए विचारों की शक्ति को समझना है और इन विचारों पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। हमारी सकारात्मक सोच, सकारात्मक संवाद और सकारात्मक कार्यों का असर हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। वही निराशा तथा नकारात्मक संवाद व्यक्तियों को अवसाद में ले जाते हैं, क्योंकि विचारों में बहुत शक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं
इस बात का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए अक्सर निराशा के क्षणों में मनोवैज्ञानिक भी सकारात्मक संवाद एवं सकारात्मक कहानियों को पढ़ने की सलाह देते हैं। हमारे सकारात्मक विचार ही मन में उपजे निराशा के अंधकार को दूर करके आशाओं के द्वार खोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि शब्द गुण हैं किंतु विचार दूर तक यात्रा करते हैं। हमारा व्यक्तित्व विचार और चिंतन से बनता है। ये हमारे जीवन के अब तक के चिंतन और समस्त विचारों का प्रतिफल होता है। हम विचारों द्वारा ही उन्हें देकर जीवन के उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह विचारों का दर्पण है। इस प्रकार विचार जीवन की आधारशिला है। हमारे पास कितना भी धन दौलत और समृद्धि क्यों ना हो, परंतु यदि हमारे विचार और चिंतन में हर समय धन की लालसा बनी रहती है तो हमसे बड़ा गरीब है, इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। इसके विपरीत हम फकीर होते हुए भी यदि संतुष्ट स्वभाव के हैं तो सुखी जीवन बिता सकते हैं। वह और शंका के विचार रहने पर हम किसी भी कार्य को करने से पहले ही असफलता की शंका से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सफलता कैसे मिल सकती है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विचारों में सकारात्मकता और दृढ़ता का होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ अच्छा संदेश जरूर मिला होगा। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल मालवा थॉट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।